हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सब जानकारी और हम बात करेंगे बिजली का बिल। यदि आपने जमा कर दिया है तो उसका स्लिप का प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे, जो आपने पेमेंट किया है उसकी स्लिप का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपको मिले सबसे पहले और हर जानकारी से आप रहें अपडेट। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, आपका समय ज़्यादा लेंगे नहीं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं आपको लैपटॉप से दिखा रहा हूँ, यदि आप मोबाइल से ओपन कर रहे हो तो मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है और टाइप करना है PSES दिल्ली.com। इस वेबसाइट को आप टाइप करेंगे एंड देन सर्च करना है। थोड़ा सर्च होने में समय लेगा, इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें आपको BSES राजधानी और BSES यमुना पावर लिमिटेड पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं यमुना पावर लिमिटेड पे क्लिक करूँगा, आपको ये एक सिलेक्ट कर लेना है। इसको यमुना BSES सिलेक्ट किया तो इसमें एक पॉपअप आएगा, इसको कैंसिल कर देना और आपको आना है माई अकाउंट वाले सेक्शन पर। इसमें आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो यूजर नेम हमने डाल दी, पासवर्ड डालेंगे। यदि आपको नहीं पता कि पासवर्ड कैसे बनाए इसका, तो आई बटन पर इसका लिंक शो हो रहा है, वीडियो को पूरा देखें आप समझ पाएंगे कैसे बनाते हैं। इसको लॉगिन कर लेना है। तो गाइज हमने लॉगिन पे क्लिक कर दिया है, अब ये लॉगिन डैशबोर्ड हो चुका है, इसका लॉगिन में हम आ गए हैं। अब लॉगिन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिख जाएगा, इसमें आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट रिसीप्ट का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। पेमेंट रिसिप्ट का आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये पेमेंट की डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी कि कब पेमेंट कराया आपने और CA नंबर आपका क्या है, कौन से उसका पेमेंट हुआ है और कितना अमाउंट है, अमाउंट शो हो जाएगा यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। तो डेट शो हो जाएगी कब आपका पेमेंट हुआ है, यहाँ से आप देख पाएंगे। अब प्यू रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे एक बार तो रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। रिक्वेस्ट जनरेट सक्सेसफुल हो गई है, आप देख पा रहे हैं। अब एक बार व्यू पर क्लिक करेंगे दोबारा से तो रिसिप्ट की डिटेल्स हमारे सामने शो हो जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये डिटेल हमारे सामने शो हो गई है। इसमें आपका किससे पेमेंट किया है, एक्सिस बैंक आ रहा है, पेमेंट एक्सिस बैंक से पेमेंट किया है, पेमेंट मोड एजेंसी, पेमेंट डेट क्या है, सारी डिटेल आ रही है, क्या अमाउंट है उसका, CA नंबर वगैरह, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ से आपको इसका प्रिंट आउट कर लेना है, प्रिंट आउट करके सेव इसको कर लेना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो जब आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और पहली बार विजिट करें इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।